Karthik, was there any sort of pressure on you, considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role? As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? See, wo comparison main khud se to nahi karna cha raha tha, because it's too they're too big a shoe to fill. I mean, you know, wo cheez to nahi karni chahiye, but I had loved him in Bhool Bhulaiya. I had loved all his, matlab I've grown up watching him. So we all have. So and so wo comparison to kabhi nahi kare to better hai ki so and I love him as an actor. सो आई थिंक जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. ऑफ कोर्स टाइटल है फिल्म में, एक कैरेक्टर नेम है, और कुछ कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आएँ, कैरेक्टर्स आएँ, तो वो आई थिंक आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2. And comparison honge, lekin I hope ki wo hum matlab acche, matlab ye Bhool Bhulaiya 2 bhi ek alag picture ki tarah yaad rahe, and that is our whole thing. Right. Also, Anish sir, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए, अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं, और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी, इसलिए हमने दो तीन फिल्में साथ की हैं. विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होता, लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत. और जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती, बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट पे काम किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे अलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच किया है. तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, एंड सैडली वो नहीं हुआ. लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं, ये एक तरह से ठीक हुआ, इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है. थैंक यू.